फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी आगरा की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रही थी। इस मालगाड़ी में कोयला भरा हुआ था। 18 डिब्बों वाली इस मालगाड़ी में 16 डिब्बे तो निकल गए थे, लेकिन दो डिब्बे ही ट्रैक से उतरे। घटना की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली से अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने घटना की जानकारी देने के बारे में मीडिया से कोई भी बात नहीं की। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा उन्होंने डिब्बों को उठाने का काम शुरू कर दिया। उतरे हुए डिब्बों को ट्रैक से हटाने के लिए जेसीबी बुलाई गई और उसमें भरा कोयला निकालने का काम शुरू किया। फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।